बच्चों, होप यू ऑल आर सेफ एट होम। आई एम योर ईवीएस टीचर अनु कुमार राठौर फ्रॉम दीप ज्योति स्कूल। आज मैं आपको फिफ्थ चैप्टर, फर्स्ट क्लास का फिफ्थ चैप्टर पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स। वी शुड ऑलवेज कीप आवर बॉडी नीट एंड क्लीन। हम हमेशा अपनी बॉडी को कैसा रखते हैं? साफ और सुथरा। वी कैन बी हेल्दी इफ वी कीप आवर बॉडी क्लीन। अगर हम अपने बॉडी को साफ सुथरा रखेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। वी कैन कीप आवर सेल्व्स हेल्दी एज फॉलोज। अगर हम अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाह रहे हैं तो हमें ये उपाय करने चाहिए, ये जो नीचे दिए गए हैं। वी शुड फॉलो द फ्लोइंग गुड हैबिट्स टू कीप आवर सेल्व्स फिट एंड हेल्दी। हमें हेल्दी और अपने सिर को सुव्यवस्थित या मतलब सही ढंग से रखना है तो हमें ये नीचे जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। जैसे फर्स्ट है, ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। सभी बच्चे 6 o'clock से पहले पहले उठ जाते हैं ना, 6 o'clock तो लास्ट उठ ही जाते हैं, तो सभी बच्चों को 6 o'clock उठ ही जाना चाहिए, बिस्तर छोड़ देने चाहिए अपने। गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली। और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए अब तो आप जैसे घर पे ही हो ना, और आपको अब स्कूल नहीं आ रहे हो, तो सुबह 6 बजे उठ के उसके बाद 6:30 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाना चाहिए, और 7:30 बजे तक 1 घंटे मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। ब्रश योर टीथ ट्विस ए डे। और दिन में 2 बार दांत साफ करने चाहिए। सभी बच्चे सुबह उठते ही तो करते ही हैं, और सोने से पहले भी आपको ब्रश करने चाहिए। टेक ए बाथ डेली विद गुड सोप। टेक ए बाथ डेली विद गुड सोप। अच्छे साबुन से नहाना चाहिए आपको। क्लीन वाटर एंड यूज ए क्लीन टॉवल। साफ सुथरा पानी लेना चाहिए और हमेशा साफ तौलिए का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना। तो सभी बच्चों और सबको अलग अलग टॉवल अपना रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी की स्किन कैसी होती है, किसी तो इन्फेक्शन होने का डर रहता है, इसलिए सभी बच्चों को अपना अलग अलग टॉवल रखना चाहिए। ऑलवेज वॉश द हैंड्स विद सोप बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। आपको खाना खाने से पहले व बाद में हाथ साफ करने चाहिए, क्योंकि अगर आप इधर उधर खेल के आए हो, मिट्टी लगी हुई है या कुछ जम्स लगे हुए हैं, तो वो आप क्या करोगे, उसे अपने हाथों में उसके साथ ही आप खा लोगे, ठीक है। तो गंदे हाथों से थोड़ा ना खाना खाओगे, तो इसलिए खाना खाने से पहले वो आपके पेट में पहुंच जाएंगे ना। आप खाना खाओगे गंदे हाथों से तो जम्स आपके पेट में पहुंच जाएंगे और आप बीमार हो जाओगे, इसलिए खाना खाने से पहले और बाद में तो सभी हाथ धोते ही हैं, नहीं धोओगे तो मिर्ची लग जाएगी ना हाथों में, ठीक है। वही हाथ अगर आइज़ वगैरह पे लगाओगे तो आपकी आंखों में जलन हो जाएगी, इसलिए आपको खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हैंड वॉश करने चाहिए। 6. वॉश योर हैंड्स आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट। और टॉयलेट जाने के बाद आपको क्या करना चाहिए, अपने हाथ धोने चाहिए। नेक्स्ट, वॉश योर हेयर एंड ऑयल देम रेगुलरली। आपको अपने बाल वॉश योर हेयर एंड ऑयल देम रेगुलरली। आपको हमेशा अपने बाल धोने चाहिए प्रतिदिन, और उनमें ऑयल भी डालना चाहिए। 8. कई बच्चे क्या करते हैं, ऑयल कुछ ज़्यादा ही डाल लेते हैं सर्दियों में, तो अजीब सा हो जाता है ना, तो इतना भी नहीं डालना चाहिए, प्रॉपर ही ऑयल डालना चाहिए आपको। और अगर आप हेयर, कई बच्चे ड्राई क्लीन कर करके आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए सर्दियों में। अगर सुबह सुबह आप जल्दी आ जाते हो स्कूल तो तब नहीं नहाया जाए, तो घर जाकर भी नहा लेते हो तब भी नेक्स्ट डे वो बाल क्लियर रहते हैं, लेकिन अगर आप 2-3 दिन नहीं नहाते हो तो वो बहुत गंदे से हो जाते हैं आपके बाल। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, रेगुलरली हेयर वॉश करना चाहिए और उनमें ऑयल डालना चाहिए। ऑलवेज ट्रिम योर नेल्स वंस ए वीक। और सप्ताह में 1 बार आपको अपने नाखून काट लेने चाहिए। 9, क्योंकि गंदे अगर नेल्स बढ़ेंगे तो उनमें क्या है, गंदगी जाएगी, क्योंकि बच्चे हो आप, तो बच्चे हो तो मिट्टी में भी खेलते हो, ठीक है, तो वो मिट्टी अंदर चली जाएगी नेल्स में, और जैसे आपकी स्किन पे कहीं खुजली आई तो वो खुजली की तो उसके साथ जो स्किन के ऊपर जो मेल था वो नाखून में चला जाएगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, वो गंदे नाखूनों से आप फिर क्या है, बस हैंड वॉश थोड़ा सा किया और फटाफट आप क्या कर लोगे, तो खाना खाने बैठ जाओगे, तो खाने के साथ गंदगी आपके पेट में जाएगी और आप बीमार हो जाओगे। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, सप्ताह में 1 बार और आपको नाखून काट लेने चाहिए। इसीलिए आपके मंडे को हमेशा नेल्स चेक होते हैं ना, कि नेल्स काट के आए हुए नहीं, तो इसीलिए चेक होते हैं। 9, वॉश योर फेस विद नीट एंड फ्रेश वाटर। और अपने चेहरे को हमेशा साफ सुथरे और ताज़ा पानी से धोना चाहिए। 10, क्लीन योर नोज विद ए क्लीन हैंडकरचीफ। कई बच्चे उंगली देते रहते हैं, उंगली नहीं देनी चाहिए, एक हैंकी रखनी चाहिए आपको, हैंकी रखनी चाहिए। अगर नोज में खुजली आती है या
कुछ दिक्कत महसूस होती है तो उससे ही उसका ही यूज़ करना चाहिए। क्लीन योर ईयर्स विद ईयरबड्स। बड्स आपने देखा होगा कि ज़्यादातर घरों में ईयरबड्स यूज़ होती है। ईयरबड क्या होती है, इस तरह से एक पतली सी तिल्ली टाइप होती है और उसके दोनों सिरों पर कॉटन लगी हुई होती है, ठीक है, और वो कॉटन सॉफ्ट होती है और मेल को खींचने वाली होती है, ठीक है। तो वो यूज़ करना चाहिए आपको अपने कान साफ़ करने के लिए, और उसमें भी बहुत ध्यान से करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बात कहीं कर रहे हो और आप कान साफ़ कर रहे हो, एकदम अचानक से ज़्यादा तेज़ अंदर की तरफ थोड़ा ज़्यादा अंदर चला जाए वो ईयरबड, तब भी आपके नुकसान हो सकता है। और जो बच्चे ज़्यादातर बैठे बैठे क्या करते हैं, पेंसिल कान में देते रहते हैं, कई बच्चों के तो मैंने खुद सुना है और देखा भी है कि वो थोड़ा सा आगे गया और भाई कान कर्णपट जो होता है उसमें छेद हो गया या कुछ उसमें इन्फेक्शन हो गया, इस तरह की घटनाएं बहुत होती है। तो ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए आप लोगों को। अब जिन्हें जो कान है वो ईयरबड से साफ करने चाहिए सप्ताह में एक बार। अगर आप डेली साफ सप्ताह में एक बार अगर आप नियम बना लो कि एक बार मंडे या ट्यूसडे या संडे को आप बैठ के उसे साफ उन कानों को साफ करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो वो आपके कानों में खुजली नहीं आएगी और आपको पेंसिल अंदर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने कान साफ कर सकते हो। 12 नंबर, ऑलवेज कीप योर नेल्स क्लीन। और हमेशा अपने नाखून क्या रखने चाहिए, साफ सुथरे रखने चाहिए। उसके बाद देखिए कॉमिंग, ये आप ये लड़की क्या कर रही है, आप देखिए ये क्या कर रही है, ये अपने बालों को कॉम कर रही है, बाल बना रही है, और ये अपने ट्रिमिंग नेल्स अपने नाखूनों को काट रहा है। वॉशिंग फेस अपने मुंह को धो रही है साफ पानी से, ठीक है। अब आप देखिए इसमें सम अदर गुड हैबिट्स जो आप घर पे स्कूल पे किस तरह से करते हैं वो बताएं। एट होम फर्स्ट है इसमें, कीप योर बुक्स टॉयज एट देयर प्रॉपर प्लेस। तुम्हें अपनी बुक्स टॉयज किताबें खिलौने सही अपनी जगह पर रखने चाहिए, जहाँ से आपको उठाने हैं वहीं से उठाने चाहिए और फिर रखने चाहिए। जैसे कई बच्चों के घरों में मैंने देखा है बुक्स में बैग में से बुक्स निकाल लेते हैं पढ़ा और वहीं छोड़ देते हैं, नहीं, जो और एक बुक का काम कर दिया है वो बुक साइड में पड़ी है दूसरी ओर निकाल ली, जिस बुक या नोटबुक में आपका वर्क कंप्लीट हो जाए उसे वापस बैग में डाल लेनी चाहिए और दूसरी बुक निकालनी चाहिए। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। और फिर जब 5 बज गए खेलने का टाइम हुआ तो वो बुक्स बैग वहीं छोड़ के भाग गए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सेकंड है, क्लीन योर रूम एंड रिमूव डस्ट फ्रॉम योर स्टडी टेबल। आपको अपना रूम है जो साफ़ सुथरा रखना चाहिए और अपने रूम की डस्टिंग करनी चाहिए, यानी जहाँ पर भी एक साफ कपड़ा लेकर जहाँ पे धूल मिट्टी जैसे आपका स्टडी टेबल है उसे साफ़ करना, या आपके पास में अलग कोई टेबल और है उसको साफ़ करना, बेड को साफ़ करना, तो ये सब आपको करना चाहिए। थर्ड नंबर है, हेल्प योर पेरेंट्स इन देयर वर्क। और अपने माता पिता के उनके कार्यों में मदद करवानी चाहिए। नेवर फाइट विद योर ब्रदर एंड सिस्टर। अब कभी भी अपने बहन भाइयों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ये तो सभी बच्चे ना प्यार से रहते हैं ना। नेक्स्ट देखिए आपका, इन स्कूल फर्स्ट रीच स्कूल ऑन टाइम। हमेशा समय पर पहुंचना चाहिए। थ्रो वाटर पेपर्स इन टू द डस्टबिन, सॉरी थ्रो वेस्ट पेपर इन टू द डस्टबिन। जो बेकार खराब पेज होते हैं उन्हें आप डस्टबिन में डालते हैं। डोंट राइट ऑन वॉल्स, कभी भी दीवारों पर नहीं लिखना चाहिए। कई बच्चे अपना नाम लिख देते हैं, कई मोबाइल नंबर लिख देते हैं, यहाँ तक कि वॉशरूम जाते हैं वहाँ पर भी लिख के आ जाते हैं, तो ये गलत हैबिट है। फोर्थ नंबर, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, विश देम गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। आप लोगों को अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे, सुबह आते ही सर को गुड मॉर्निंग विश करोगे और जाते टाइम गुड आफ्टरनून, ठीक है ना। सर और मैडम अध्यापक और अध्यापिकाओं को गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून सभी बच्चे बोलेंगे। वैसे अपने स्कूल में तो सभी बच्चे बोलते ही हैं, ठीक है, और जो नहीं बोलता है अब से रेगुलरली जब आप आओगे स्कूल तब स्टार्ट करेंगे अपन। 5 नंबर, कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। अपने चारों ओर क्या रखनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। 6 नंबर, ऑलवेज वियर क्लीन एंड आयरन क्लॉथ्स। आपको हमेशा साफ और प्रेस की इस्त्री किए हुए कपड़े पहनने चाहिए,
ठीक है ना, सभी बच्चे प्रेस किए हुए कपड़े पहनना है, यूनिफॉर्म पहन के आते हैं ना स्कूल में। 7 नंबर, हेल्प द पुअर और नीडी, हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। 8 नंबर है, नेवर ट्रस्ट एनिमल्स, 1 मिनट, नेवर टीज एनिमल्स, कभी भी जानवरों को छेड़ना चाहिए, नेवर टीज एनिमल्स, कभी भी जानवरों को छेड़ना नहीं चाहिए। जैसे कई बच्चों को मैंने देखा स्कूल से जाते हुए क्या करते हैं, जंगली जो कुत्ते होते हैं, आवारा कुत्ते होते हैं, उनको पत्थर वत्थर मारते रहते हैं, ठीक है। तो आवारा कुत्तों को अगर मान लो काट जाए तो कितना आपको इंजेक्शन भी लगेंगे टिटनेस के, रेबीज के, तो कितना परेशान हो जाओगे ना आप। ऐसे ही आप कोई गाय खड़ी है तो उसको पत्थर मारोगे तो वो आपको मारने दौड़ेगी ना, तो इस तरह से आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और अच्छे से इसका बहुत अच्छी अच्छी इसमें बातें बताई गई है जो सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। थैंक यू।